सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश सेक्शन लेके आओ, तो मैं इंग्लिश सेक्शन लाया हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो रिपीटेड हैं हर एक एग्ज़ाम्स में। तो आप जस्ट ये करीबन 100 से 200 वर्ड्स हैं, इसको एक बार देख के चले जाना। दो से तीन या जितना भी क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं जाएगा और ना इससे ऊपर लेवल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंटरपीड। इंटरपीड मतलब क्या होता है? जो एकदम फियरलेस हो, रिजोल्यूटली फियरलेस या डाउंटलेस, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरपीड। दूसरा वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रिपील, यानी डू अवे विद अ लॉ और फॉर्मल अग्रीमेंट। किसी भी जो लॉ है, राइट है, उसको हम हटा देना या हटा देते हैं, जो भी, उसको बोलते हैं एब्रोगेट, ठीक है। डेफरेंस, डेफरेंस मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट करे उसको बोलते हैं डेफरेंस। ओके, कोविनेंट, कोविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है, डिसगस्टिंग, उसको बोलते हैं हम ऑब्नॉक्शियस। बात करते हैं सिक्स्थ वर्ड की, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब होता है नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कॉज, मतलब एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज रैपिडली। देखते हैं ना, जैसे सेल्स, टिश्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर, वो बढ़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेट। और इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो रिप्रोड्यूस होगा। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब होता है पजल हो जाना, ठीक है, सिमिलरली ऑब्जर्व्ड कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट विच वेन इन्वेस्टिगेटेड मे प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू। कॉलोशल, कॉलोशल मतलब होता है विशाल, एकदम लार्ज, एनॉर्मस, इसको मैमथ भी बोल सकते हैं, मैमथ भी वो वर्ड होता है एक, मैमथ, मैमथ, ठीक है, ह्यूज। इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब होता है कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, द एस्टैब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मतलब होता है क्या होता है, मैग्निफिसेंस, मतलब एकदम ही वो, इसे बोल सकते हैं अद्भुत चीज़ें घटित हो, स्प्लेंडर, इम्प्रेसिवनेस, ठीक है, इम्प्रेस हो गया उस किसी चीज़ से। ग्रैंडियर मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिसेंट वर्क किया उसने, ग्रैंडियर वर्क किया है। बात करते हैं ट्रैम्प की। ट्रैम्प क्या होता है, मतलब जो बंदा वंडर, वंडर मतलब जो इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है, इन ऑन फुट, इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैगरेंट और बेगर, ठीक है, बंजारा भी बोल सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कंसाइनी। कंसाइनी मतलब होता है नॉमिनी। ओके, नॉमिनी आपको पता ही होगा, जैसे बैंक खाते वगैरह में हमसे पूछता है ना नॉमिनी कौन है, मतलब आपके बाद दूसरा पर्सन कौन उसको ले या डिलीवर कर सकता है। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन मतलब होता है पैसन किसी के लिए, जैसे अभी आपको पैसन है किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसीलिए तो आप इस चैनल पे आओ ना, गवर्नमेंट जॉब डिकोडर पे, तो इसी को बोलेंगे पैसन, इनफैचुएशन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब हैंडसम, ये ब्यूटीफुल हमें पता है, मेल फीमेल के लिए यूज करते हैं, हैंडसम करते हैं मेल पर्सन के लिए। प्लीजिंग द सेंस और माइंड एस्थेटिकली, एस्थेटिकली मतलब पता ही होगा, बहुत ही डेकोरेटिव चीज़ें होती है, जैसे ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये जो स्लाइड्स हैं ये क्या है, एस्थेटिकली है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है ना दिखने में। फिफ्टींथ वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। क्वर या क्वीर, ट्रेम्बल और सेक, मतलब कि स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट ऑफ साउंड, स्पेशली वन कॉज्ड बाय सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब एकदम से ट्रेम्बल हो जाना उसके साउंड में, मूवमेंट में, उसको बोलते हैं क्वर, मतलब थिर्रा जाना। ओके, एडिलेशन, एडिलेशन मतलब होता है एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, मतलब किसी को इतना चने की झाड़ पर चढ़ा देना एक तरीके से, ये बोल सकते हैं, बहुत ही प्रशंसा कर देना उसकी, फ्लैटरी बोल सकते हैं। कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन मतलब होता है मेडिटेशन करना, ठीक है, द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुल एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। डेलीजेंट, डेलीजेंट मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन, जैसे आप इस एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि यू आर डिजिलेंट फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम, DVC, SSC, रेलवे, जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। सोइंग केयर एंड कंसेंटियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज, तो बोलते हैं इंडस्ट्रियस। सेंसर, सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज, ठीक है, बोलते हैं ना सेंसर बोर्ड में, बोर्ड होता है मतलब
जैसे मूवी वगैरह होता है तो उसके कुछ सीन डिलीट वगैरह करना होता है तो सेंसर करते हैं, वही मतलब उसका मतलब उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो सीन सही नहीं होता उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वहाँ से भी रिलेट करके आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड यानी फेटल। फेटल मतलब जानलेवा यानी कॉजिंग डेथ या डेडली, ठीक है। डोलफुल, डोलफुल मतलब इस वर्ड से ही लग रहा है, मतलब क्या है, सौरव, मोर्नफुल, बहुत ही दुखदायक पल जिसके पास हो उसको बोलते हैं डोलफुल, डोलफुल हो रखा है। ग्रफ, ग्रफ मतलब होता है रफ, ठीक है, रफ एंड लो इन पिच, समझ गए। फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता है फेथफुलनेस टू अ पर्सन कॉज और बिलीफ डेमोन्स्ट्रेटेड बाई कंटिन्यूस लॉयल्टी एंड सपोर्ट, जो बहुत ही लोयल हो, ठीक है, फिडेलिटी। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस मतलब होता है फ्रूटलेस या अनप्रॉफिटेबल, मतलब हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, लेकिन उसका हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जस्ट क्या हो रहा है आपका टाइम पास। लेकिन आप उसी की जगह ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें आपका कोई घाटा है बताओ, कुछ लॉस से नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो ये फ्रूटफुल है। लेकिन ये इनफ्रक्चुअस मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस। गार्निश, गार्निश मतलब पता ही होगा, जैसे हम बोलते हैं ना उसमें किचन वगैरह में कुछ बना रहे होते हैं, हमने इस डिश को गार्निश करा, मतलब कि डेकोरेट और एम्बेलिश समथिंग स्पेशली फूड। देखो फूड बता रखा है ना, एड ऑन, एड ऑन भी बोल सकते हैं। मेंटर, मेंटर आपको पता ही है, एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र, ठीक है, उसको बोलते हैं, या गाइड भी बोल सकते हैं। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब होता है क्या, किसी मतलब चीज़ों पे ब्लाइंड बिलीव करना है ना, उसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस। अ वाइडली हेल्ड बट इरेशनल बिलीफ इन सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं। रेवेज, रेवेज मतलब डिमोलिश कर देना पूरी तरीके से, कॉज सिवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। डिमोलिश मतलब कि एकदम से उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, उसको बोलेंगे रेवेज या तो डिमोलिश। जैसे अभी रसिया ने किसको, जो यूक्रेन पे वॉर चल रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, रसिया डिमोलिसिस यूक्रेन या रेविज्ड यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब होता है डिस्क्राइब और पोर्ट्रे, पोर्ट्रे समथिंग इस प्रिसाइजली या एक्सप्लेन करना, ठीक है। मिनेस, मिनेस मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, अ थ्रेट और डेंजर, मतलब कोई भी बंदा है वो क्या कर रहा है, वो हार्म कर सकता है हमें। जैसे हम रात को नेटवर्क पे गए बट हम कहीं देख रहे हैं कोई भी पेड़ है, सनकी है, वो क्या है, वो मिनेस है, एक तरीके का थ्रेट है। अकल्ट, अकल्ट मतलब मिस्टिकल सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर प्रैक्टिसेस और फेनामिना, सुपर नेचुरल। अकल्ट मतलब वही जो काला जादू वगैरह होता है उसकी बोलते हैं अकल्ट करना। विंडिगेट मतलब क्लियर, समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, जस्टिफाई करना, उसको बोलते हैं विंडिगेट। बेनिवलेंस, बेनिवलेंस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बींग वेल मीनिंग, काइंडनेस है बंदा, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, उसको बोलेंगे बेनिवलेंस। पेनेसिया, पेनेसिया आपको बताया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है, हर एग्जाम में होगा आई थिंक। पेनेसिया जो सॉल्यूशन हो या कोई रेमेडी हो फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसको बोलते हैं क्योर ऑफ ऑल, उसको बोलेंगे हम पेनेसिया। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है द एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, या कॉशियस, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रूडेंट, मतलब बहुत कॉशियस हो बंदा, अपने स्विंग केयर करे, फ्यूचर के लिए भी सोच रहा है वो, उसको बोलेंगे प्रूडेंट, ठीक है भाई। अब है 39 वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय द फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रेंडली। एमिकेबल क्या होता है, फ्रेंडली। इरिवरेंस, अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, इवरेंस, ई रिवरेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा सेरेमोनियल। सेरेमोनियल होता है कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी और पावर या फॉर्मल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेरेमोनियल। कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनेटर अथॉरिटी और पावर, मतलब सेरेमोनियल एक तरीके से क्या, फॉर्मल, बात आएगी समझ में। इसको चेंज कर लेते हैं कलर, एक मिनट, ओके। दूसरा वर्ड है प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मतलब विन और रिगेन द फेवर ऑफ अ गॉड, स्पिरिट और अ पर्सन बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीज देम, मतलब क्या हो गया, प्रोपिशिएट का मतलब हो गया कि कुछ फेवर में होना, उसके विन और रिगेन द फेवर ऑफ,
बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीजेज देम, उसको बोलते हैं प्रोपिशिएट। और इसका जो वर्ड है वो है अपीज, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आया होगा ये। बस आपको देखते जाना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। जैसे ही वो आपका आएगा, चार ऑप्शन होंगे, टक से टिक कर देना इसको, काम बन जाएगा आपका। 48th वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब होता है सीज, मतलब एक तरीके से सरेंडर कर देना। साफ साफ दिख रहा है हमें कैपिटुलेट मतलब। स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज्ड मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना। समवन टू बी नो लॉन्गर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद समवन, ठीक है भाई। एरोनियसली, एरोनियसली मतलब होता है इन अ रॉन्ग इनकरेक्ट वे, एरर का ही मतलब होता है, आपको पता ही होगा। एरोनियसली मतलब रॉन्गली। रेस्टिव, रेस्टिव मतलब होता है अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन। आपको पता ही होगा कि जो बोर्डम है ना, वो सबसे मुश्किल सजा मैं मानता हूँ, किसी को बोर कर देना। मतलब आप बोर हुए रह ही नहीं सकते हैं, खाली रहोगे तो कुछ ना कुछ करोगे, जो आपको अच्छा नहीं भी लगता है ना, वो भी बंदा वो काम करेगा। तो अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, मतलब रेस्टलेस हो। अगर वो बंदा को ज़्यादा बोर हो रहा हो तो वो क्या होगा, वो मतलब अनेबल टू, ना वो साइलेंट रहेगा ना स्टिल रहेगा, रेस्टलेस। नोमैडिक, नोमैडिक वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। लिविंग द लाइफ ऑफ नोमैड मतलब कि अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लिव इन अ डिफरेंट लोकेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं नोमैडिक। बंजारा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नोमैडिक पीपल्स होते थे ना एंशिएंट टाइम्स में, वेंडरिंग, जैसे जो झूम खेती वगैरह करते थे वो क्या होते थे, नोमैडिक पीपल होते थे। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी किसी का जो हम, जैसे किसी कोई बंदा है वो, उसका एटीट्यूड ही है कि किसी को गिराना, नीचे दिखाना, उसको बोलेंगे डेरोगेटरी या डिस्पैरेजिंग। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब होता है फोर वार्निंग, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है आपको, कुछ ये घटित हो सकता है, ठीक है, कुछ रॉन्ग हैपन हो सकता है, कभी कभी आता है ना गट फीलिंग, वही है प्रीमोनिशन, मतलब फोर वार्निंग। एल्यूड, एल्यूड मतलब होता है एस्केप फ्रॉम और अवॉइड और डेंजर, टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे, मतलब कि अपने आप चलाकी से जो डेंजर है वो खतरा से आप टल जाना या बच जाना, एस्केप, उसको बोलते हैं एल्यूड। चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट वर्ड है अपना फ्लटर। फ्लटर होता है टू मूव लाइटली और क्विकली या फ्लोट, ठीक है, मतलब आसान, आराम से लेना, हल्के में लेना। टू मूव लाइटली और क्विकली, ठीक है, फ्लोट भी बोलेंगे उसको। फ्लोट जैसे हम करते हैं, तैरते हैं, तो क्या होता है, एकदम बंदा स्थिर रहता है, चिल कर रहा होता है, उसी टाइप का। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आपको पता ही है किस चीज़ को प्रेसिडेंस करना था। फैक्ट कंडीशन ऑफ विक रिगार्डेड और ट्रीटेड एज मोर इम्पॉर्टेंट, हम किस चीज़ को मोर इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी हो गई। जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम है, तो कोई सा भी मैच आए, क्रिकेट आए, कुछ भी आए, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, पढ़ाई करना है ना, रीड करना, लर्न करना, उसके बारे में, दिस इज़ आवर प्रायोरिटी। डुप्लीकेशन मतलब कि कॉपिंग करना किसी चीज़ को, उसको बोलेंगे डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट आइटम। डायलेट, डायलेट मतलब होता है वाइडन, किसी को लार्ज करना, जैसे कोई रबड़ है उसको हम खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डायलेट कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है प्री ऑक्यूपेशन, एन आइडिया और थाट दैट कंटिन्यूअली प्री ऑक्यूपाइज और इंट्रूड ऑन अ पर्सनस माइंड, मतलब हमने एक बिलीफ बना लिया उसके लिए और वो हमारे माइंड में कंटिन्यू आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल ले तो कुछ भी चीज़ हो और हम उसके लिए मतलब बहुत चिंतित हो, वो क्या हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है। कैसे, जैसे अभी आप उससे रिलेट कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑब्सेस्ड है, मतलब इतना माइंड में उसके चल रहा है वही चीज़। 56 की बात करते हैं, ये क्या है, इटिनरेंट, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है, तो भाई क्या, इटिनरेंट, इटिनरेंट अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वही हो गया ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको बोलेंगे इटिनरेंट। जैसे जो बंदे आपने देखा होगा व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो प्लेस टू प्लेस इधर से उधर जाते हैं, उसको इटिनरेंट बोल सकते हैं।
कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब होता है डिक्लेयर, यानी पहले किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा, ठीक है, और यानी वो क्या है, वो अक्यूज्ड है तब तक, लेकिन जब साबित हो जाएगा तो वो कन्विक्ट हो जाएगा, यानी डिक्लेयर्ड हो गया कि वो गिल्टी है। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन मतलब होता है पॉम्प, यानी द प्रिटेंशियस और सोई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी डिजाइन टू इम्प्रेस, मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपने अमीरी का दिखावा कर रहे हैं, पॉम्प कर रहे हैं, ऑस्टेंटेशन कर रहे हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है 15th, सेलेक्शन। और सेलेक्शन से ही आपका आता होगा माइंड में कि काश हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, है ना, यानी प्रेफरेंस, ठीक है। ये तो वर्ड बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन नॉर्मल वर्ड है। टॉर्पिड, टॉर्पिड मतलब होता है मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाना, उसको बोलते हैं टॉर्पिड। 61st है सरमाउंट, सरमाउंट मतलब होता है ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल, कुछ जैसे कोई सा भी डिफिकल्टी आया, बैरियर आया हमारे रास्ते में, हम उनसे ओवरकम कर गए, मतलब सरमाउंट कर गए। एबलिशन, एबलिशन मतलब होता है वॉशिंग, एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जिनोम, जिनोम अ स्मॉल अगली पर्सन, ड्वार्फ पर्सन, गिट्ठा पर्सन, उसको बोलते हैं जिनोम। कमांड, कमांड क्या है, इंस्ट्रक्ट करना किसी को। ट्रांसपेरेंट, आपको पता है वो ल्यूसिड वे, आर पार दिख जाए, बहुत ही क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। डिक्सटैरिटी, ऐसा स्किलफुल पर्सन जो क्या हो, बोथ हैंड से अपना टास्क कर सके, उसको बोलेंगे डेक्सटेरिटी या एड्रोइटनेस। कार, ये क्या, कैप्रीशियस, गिवन टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, मतलब तुरंत ही चेंज हो गया मूड, उसको बोलेंगे कैप्रीशियस या विम्सिकल। असर्टिव, असर्टिव मतलब हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी। डोमिनेटिंग मतलब डोमिनेट करने वाला पर्सनैलिटी हो, ठीक है, उसको बोलेंगे डोमिनेटिंग या असर्टिव। नेविस, नेविस मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अनक्रूपलस, चालाक, बेईमान आदमी, ठीक है, उसको बोलेंगे नेविस। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब कंसाइज वे में अपनी बातें रख देना, इसको बोलेंगे लैकोनिक। नेक, एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, वही मतलब डिफरेंट स्किल है हमारे में, जैसे दो हाथों से लिखना, ठीक है। इल ब्रेड, बैडली ब्रॉट अप और रूड, मतलब रूड बंदा, उसको इल ब्रेड बोलेंगे या अनकॉट। डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस, ठीक है, एक्साइटमेंट, उसको बोलेंगे डिमेंटेड। हॉटी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसका मतलब होता है एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल, कंसाइटेड, ठीक है, बहुत ही सुपीरियर हो, एरोगेंटली हो। एनलिवन, एनलिवन, एनलिवन मतलब होता है मेक समथिंग मोर इंटरटेनिंग और इंटरेस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जेन्युइन, जेन्युइन आपको समझ में आता हो, ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो। बैकबोन्ड, समन, सॉरी बैकंड, बैकंड मतलब होता है समन करना, किसी को कॉल्ड करना, ठीक है। अक्यूज्ड, वही बात किया था, अक्यूज्ड मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, चार्ज विद ट्रायल और क्राइम, सो इंडिकेटेड भी बोल सकते हैं, इंडिकेटेड। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज आया, आपका जैसे 5 साल के थे, फिर वहाँ से 10 साल में हुआ, तो क्या वो ट्रांजिशन फेज चला आपका, चेंजेस आए काफ़ी सारे। डीक्रैप्टिट्यूड, डीक्रैप्टिट्यूड मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग डिस्ट्रिक्ट, बॉर्न आउट या फीबलनेस, कमजोरी, ठीक है, उसको बोलेंगे डिसक्रैपिट्यूड। ओडेसिटी, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, उसको बोलेंगे बोल्डनेस, समझ गए। सुपर एनोवेटिव मतलब कि आउटडेटेड और ऑब्सोलीट, यानी अप्रचलित हो गया है वो, ऑब्सोलीट, थ्रू द एज और न्यू डेवलपमेंट, या रिटायर्ड हो गया, बोलते हैं ना सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन है जैसे गवर्नमेंट जॉब में भर्ती होंगे तो 60 साल बाद क्या हो गया, वो सुपर एनुएशन आ गया, तो रिटायर्ड हो जाते हैं। एक्सीड, अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, कंसेंट होना किसी का, उसकी भी मंजूरी हो, उसको बोलेंगे एक्सीड। अलर्ट, अलर्ट मतलब अलर्ट रहना भाई, वॉचफुल रहना, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब डिटरमाइंड, स्टबर्न,
जिद्दी व्यक्ति, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड है अपना लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, ट्रिवियल अमाउंट, स्मॉल। यार्ड स्टिक, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है पॉइजनस, जानलेवा। रिग्रेस, रिटर्न टू अ फार्मर और लेस डेवलपमेंट स्टेट, यानी और पीछे आ जाना, बैकस्लाइड हो जाना। सोम्बर, सोम्बर मतलब होता है ग्लूमी, डार्क और डल इन कलर, ठीक है भाई। रेयर, रेयर मतलब होता है नॉट अक्रिंग वेरी ऑफन, बहुत ही रेयर चीज़ है, मतलब सिलेक्शन क्या है, वो रेयर ही चीज़ है, हमेशा तो नहीं, सबका नहीं होता है, स्कार्स है, कमी है। हर्डल, हर्डल मतलब प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल, ठीक है, बैरियर्स, इसको बोलेंगे हर्डल। डेसिमेटेड यानी किल करना, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में किसी किल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इसको डेसिमेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑगस्ट, ऑगस्ट मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, मेजेस्टिक। एवराइस, एवराइस इज होता है एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल, बोलते हैं ना एवराइस इज कॉज ऑफ ऑल थिंग्स, लालच बुरी वाला है, वही वाला सीन है। तो आज 100 वर्ड तक ही करेंगे, दूसरे पार्ट में इस 100 वर्ड और लेके आऊँगा, लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए। तो भी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और भाई शेयर करो तब आके जिस भी सोशल मीडिया पे कर सकते हो। स्लिथर, स्लिथर मतलब होता है मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस, बहुत ही स्मूथली स्लाइड करना, ठीक है, उसको बोलेंगे स्लिथर। फ्रीलांस, फ्रीलांस मतलब अर्निंग वंस लिविंग, सेल्फ एम्प्लॉयड। फ्रीलांस बोलते हैं ना, जैसे अभी कोई भी बंदा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे अभी हम क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब की के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जस्ट अपना ही कुछ कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब उनका अर्निंग कुछ ना कुछ आ रहा है कुछ भी करके, उसको बोलेंगे फ्रीलांस। इम्पायस, इम्पायस मतलब शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर गॉड और रिलीजन, ठीक है, मतलब इसके किसी के गॉड वर्ड के प्रति उसको इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखाए, इरिवरेंट भी बोल सकते हैं उसको। स्कॉन, स्कॉन मतलब होता है कंडेम करना किसी चीज़ को, अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और डिस्डेन फॉर समवन और समथिंग, जो चीज़ें हमें बुरी लगी हम उसकी निंदा करते हैं, वही है स्कॉन या कंडेम। अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस और रिलेशन टू समथिंग, यानी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो 100 वर्ड्स आपके ख़त्म होते हैं, बाकी के 100 वर्ड्स हम जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, जितने भी हैं बचे हुए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए, तो भाई अगर ये पसंद आया हो, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो जितना भी हो सके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो भाई, शेयर करो एंड सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन, सो दैट आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, जय हिंद।